What a disappointing end to Pakistan's campaign of Asian Champions Trophy. मेजबान चाइना ने बदला ले लिया ग्रुप मैच का और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बाहर कर दिया इवेंट से. And unfortunately हमारे पास बुरी न्यूज है कि चाइना अब हो गए through to the finals. And interestingly करवा दी बेइज्जती भाई अपनी चीख तपाक डमडम हो गया इनके साथ. China bamboozled Pakistan. China thrashed Pakistan. China showed our हॉकी अवर क्रिकेट अवर स्पोर्ट्स अवर सिस्टम इज बैडली नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया. ये हालत है. लेकिन अब इमरान हम चाइना के लिए भी ये वाली बातें करेंगे. चले हिंदुस्तान के लिए करते हैं तो वो फार सुपीरियर टीम है. चाइना से खेलने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि वो किसी और मुराल के साथ आए थे और हम किसी और मुराल के साथ गए. ये आपको चाइना ने अलार्मिंग साइन दे दिया कि इट मींस कि आप एशिया में चाइना के साथ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले फैसलों इवेंट के अंदर. तो पाकिस्तान ने अपने मैच में चाइना को बड़ी बुरी तरह हैवी डिफीट जिसे शिकस्त दी थी. बट यू नो जस्ट चाइना वर ऑन टॉप ऑफ द गेम टुडे. अगर दुख है आज हार के साथ साथ इस बात का भी बड़ा गहरा दुख है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही बुरा खेली. जितना अब पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया. अब पाकिस्तान तीसरी चौथी पोजिशन के लिए मैच खेलेगा. चाइना को 5-1 से हराया था ग्रुप मैच में. तो सोच रहे होंगे कि जी हम तो हरा लेंगे आराम से सुकून से मजे से प्यार से. तो उन्होंने इनको हरा दिया है आराम और सुकून और मजे से. तुम्हारे भाग धने भाग तुम्हारे डूब रहा है पाकिस्तान. फिर जजीरे पाकिस्तान में ही बनाना. पाकिस्तान को खा खा के पाकिस्तान में अब अपनी कब्रें ही बनाओगे. कुछ नहीं रहा इसके पास. लूट के खा गए हो पाकिस्तान. शर्म से डूब मरो बेशर्मो. ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया. कोई उनका जो गोलकीपर था क्या मतलब उसने क्या कोई मैग्नेट लगाया हुआ था कि गेंद जो आप फेंक रहे हैं सारा उसी के साथ ही जाके चिपक रही थी. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में. जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा दोस्तों, चीन ने भी जो है पाकिस्तान को पेल दिया है. जी हाँ दोस्तों, आपने लोगों को सही सुना. चीन ने जो है पाकिस्तान को सेमीफाइनल हॉकी में जो है हरा दिया है. और दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है. चलिए दोस्तों हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और दोस्तों यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए. चलिए दोस्तों इसी को लेकर हम पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. What a disappointing end to Pakistan's campaign of Asian Champions Trophy. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. स्पेशली जो भारत से मुकाबला हुआ था उसके बाद सबको लग रहा था कि इजीली हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि हमारा सेमीफाइनल भी चाइना से पड़ा था जिसको ग्रुप मैच में ऑलरेडी हम 5-1 से शिकस्त दे चुके थे. लेकिन यहाँ मेजबान चाइना ने बदला ले लिया ग्रुप मैच का और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बाहर कर दिया इवेंट से. जैसे कि आप जानते हैं कि मुकर्रर वक्त में 1-1 गोल से मैच बराबर रहा. लेकिन बाद में जब पेनल्टी शूटआउट पे बात गई तो वहां 2-0 से चाइना ने कामयाबी हासिल कर रहे थे कि बड़ा पाकिस्तान टीम बेहतर खेल रही है. और ये इवेंट में हमने इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं थी. हॉकी हमने अच्छी खेली. ये हुआ क्या हमें आज के हम जिस टीम को 5-1 से शिकस्त दे चुके थे ग्रुप में उसके खिलाफ बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए और एंड में फिर पेनल्टी शूटआउट वाला सीन तो हम सबको पता ही है. क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि अगेंस्ट इंडिया के मैच में आता हूँ. अगेंस्ट इंडिया के मैच में इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गेम नहीं खेली क्योंकि वो जा रहे थे अपनी तरफ से सेमीफाइनल के लिए. उनको लगता था कि पाकिस्तान के साथ ही हमारा फाइनल आएगा तो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो हमें जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है. और इसी तरह पाकिस्तान हर गेम को फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने के लिए जा रहा था जबकि हम क्वालिफाई कर चुके हुए थे. हमें पूरी चीजों को अपने पास संभाल के रखना चाहिए था. मैं ये समझता हूँ कि शूट आउट सेकेंड शूट आउट हम हारे हैं. सेकंड मैच है शूट आउट पे हम हारे हैं. मेरे ख्याल से हमने उस गलती से नहीं सीखा क्योंकि हम अजान शाह के अंदर भी शूट आउट के ऊपर हारे और आज भी हम शूट आउट के ऊपर हारे. तो मेरे ख्याल से हम लोगों की सेलिब्रेशन जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाती है पूल मैचेस के अंदर कि जी हमारे कॉलर जो है वो पूल मैचेस के अंदर बहुत जैसे कहते हैं कि ऊपर चले जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. जब तक आपका टूर्नामेंट खत्म नहीं होता, जब तक आप उस ट्रॉफी को हासिल नहीं करने से, तब तक आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जी हम सेमीफाइनल चाइना के साथ खेल रहे हैं तो चाइना को हम इजीली बीट कर लेंगे. चाइना को इजी टीम नहीं खेल. चाइना का निकाल के देखें सवाए पाकिस्तान के अलावा चाइना को कितने गोल स्कोर इतने नहीं किए. और वही अलार्मिंग साइन था पाकिस्तान के लिए कि अगर वो 3-0 इंडिया से हारे हैं और जो उन्होंने जापान को 2-0 हरा के अपने आप को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है तो ये कोई इजी टास्क नहीं था. जो कि इजी टास्क समझ के वो ग्राउंड के अंदर ही आए थे. आज प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद हम सेमीफाइनल जीत चुके हुए हैं और हम फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. लेकिन अब इमरान हम चाइना के लिए भी ये वाली बातें करेंगे. चले हिंदुस्तान के लिए करते हैं तो वो फार सुपीरियर टीम है. चाइना से खेलने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि वो किसी और मुराल के साथ आए थे और हम किसी और मुराल के साथ गए. बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी को हमें तवील अरसे से देख रहे हैं. अगर वन स्टेप
अहेड है तो टू स्टेप बैक भी जा रही है बार बार, तो ये कैसे ठीक होगा ये मामला? देखिए मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इन चीजों को। अभी तो हम क्वालिफाई राउंड में नहीं आए, आप ये देखें कि इन्हीं टीमों ने एशिया में क्वालिफाई राउंड में आना है, एशियन गेम्स में इन्हीं टीमों ने आना है, वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड का एशिया कप आपने खेलना है, तो इन्हीं टीमों ने आना है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। जापान इसमें रीबिल्ड कर रहा है अपनी टीम, जापान नो प्लेयर था, लेकिन जब एशियन गेम्स में आएगा या एशिया कप में आएगा वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के प्लेयर्स भी बीच में स्विच ऑन है, यंग प्लेयर्स हैं, हमारी वही स्ट्रेंथ है, तो हमें आप ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपने कॉम्बिनेशन को रीबिल्ड किस तरह करना है। ये आपको एक चाइना ने अलार्मिंग साइन दे दिया कि इट मीन्स कि आप एशिया में चाइना के साथ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले फैसला को इवेंट के अंदर। तो पाकिस्तान को मुर्गी की तरह पिंजरे में बंद किया हुआ चाइना जैसी टीम ने, जिसे हॉकी की दुनिया में कोई जानता नहीं है, वो टीम पाकिस्तान को लीड कर रही थी, उस टीम को जो दो दफा वर्ल्ड कप दो दफा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, उनका ये हाल कर दिया चाइना जैसी टीम ने। असल में उनका नहीं, हमारा घर खराब है। चाइना दो के दो टर्न में, पाकिस्तान दोनों में अंडे, ये अब पाकिस्तान की टीम भाई, यही हमारी हॉकी है। इंडिया ने हल्का ले लिया हमें, चलो यार अपनी एशिया की टीम है ज्यादा ना वो करें, तो ये हमारे लात है। कांग्रेचुलेशन टू चाइना, लाना था हमारी हॉकी पे भी, दबा हो गए हम, डूब गए हम, बर्बाद हो गए हम, मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब, चाइना से भी हार गए हम, लानत है यार। ये भी दिन देखना था कि चार दफा के वर्ल्ड कप चैंपियंस, शर्म से डूब मरने का मकाम है। चाइना बेम्बूजल्ड पाकिस्तान, चाइना थ्रैश्ड पाकिस्तान, चाइना शोर्ड अवर हॉकी, अवर क्रिकेट, अवर स्पोर्ट्स, अवर सिस्टम इज बैडली, नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया, ये हालत है। हिस्ट्री फॉर चाइना, दे आर इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स, कांग्रेचुलेशन चाइना, कांग्रेचुलेशन शहबाज शरीफ, कांग्रेचुलेशन आसिफ जरदारी, कांग्रेचुलेशन इनको लाने वालों, तुम्हारे भाग धन्य भाग तुम्हारे, डूब रहा है पाकिस्तान, फिर जजीरे पाकिस्तान में ही बनाना, पाकिस्तान को खा खा के पाकिस्तान में अब अपनी कब्रें ही बनाओगे, कुछ नहीं रहा इसके पास, लूट के खा गए हो पाकिस्तान, शर्म से डूब मरो बेशर्मो। ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया, शर्म से मर जाना चाहिए। ये तारिक बुक्टी एंड कंपनी, ये पाकिस्तान पे बदशर्मी बेशर्मी के जो ये साए, ये जो मनुष्यत के साए हैं पाकिस्तान पे, ये इन लोगों की वजह से है। कर करने के बच्चे मुफ्त में खेलते हैं, बगैर पैसों के खेलते हैं, ये बेशर्म टीएडीए लाखों डॉलर्स में लेते हैं, लानत है ऐसी स्पोर्ट्स पे, लानत है जो इनको कोई पूछता नहीं उन पे, लानत है इस मुल्क पे, शर्मिंदगी ला रहे हैं, बेगारत लोग हमारे मत्थे लगे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जब तक ये बेगारत है ये पिल्ले हैं, हम इसी तरह जलील होंगे हर मकाम पे। पाकिस्तान इन्होंने अपनी याशों के लिए बेच दिया, हमारा खून तक गिरवी है, हमारी पैदा होने वाली नस्लें गिरवी है इन बेशर्मों के। G2M पाकिस्तान वाज बीटन बाय चाइना, शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला गया थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बुरी न्यूज़ है कि चाइना अब हो गए थ्रू टू द फाइनल्स। एंड इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने अपने मैच में चाइना को बड़ी बुरी तरह हैवी डिफीट जिसे शिकस्त दी थी, बट यू नो जस्ट चाइना वर ऑन टॉप ऑफ द गेम टुडे। अधिक थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सीन्स होंगे पाकिस्तान कैंप में, मतलब अच्छे पे गेम हमने खेला भी था, इवन दो हम इंडिया से हार गए थे, वी वर इन द सेमीज, पाकिस्तान को चांस था टू गो रीच द फाइनल्स, बट खैर ऐसा नहीं हो सका। अगर दुख है आज हार के साथ साथ इस बात का भी बड़ा गहरा दुख है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही बुरा खेल रही थी अगेंस्ट इंडिया, हम हारे थे लेकिन अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस वजह से बहुत ज्यादा तवक्को थी कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में दोबारा पहुंच जाएगा, और लेकिन आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कर रही। अगर आप मैचेस में देखें तो पाकिस्तान ने 5 प्लेंटी कॉर्नर जो है वो जाया किया, उससे एक गोल नहीं किया, और पहले जो मैच खत्म हुआ तो उसमें मुकाबला 1-1 गोल बराबर रहा, पहले चाइना ने ली थी, फिर नदीम अहमद ने गोल किया, तीसरा 1-1 बराबर हुआ, उसके बाद प्लेंटी शूट आउट किए गए। बाद में ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि प्लेंटी शूट आउट पाकिस्तान ने 4-4 जाया कर दिए, 4-4 पाकिस्तान ने प्लेंटी शूट आउट जो मिले वो जाया कर दिए, और जो फाइनल की दौड़ में जाने का मौका था वो भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, और चाइना पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। अब पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, अब पाकिस्तान 3री-4 पोजिशन के लिए मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने आज बहुत बुरा